अब दानिश कुरैशी जी, अब इस पर आप जवाब दे दीजिए, क्या इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आती? जिन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, इकबाल अंसारी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करके बड़े ही सहज भाव से उन्होंने स्वागत किया, और आप हैं कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नैरेटिव की बात नहीं है, हम हमारे दिल में जगह है आशिम चाचा अंसारी के लिए, जो इनके वालिद थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और ईमानदार तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी। अरे आपके आशिम चाचा के लिए है, लेकिन आशिम के लिए नहीं है। ट्रस्ट बनाया, उसमें क्यों नहीं जगह दिया उनको? उसमें तो फिर मैं बीच में आपको नहीं बोला दूंगा। मुसलमान आपने रखा, क्यों नहीं इकबाल अंसारी को रखा? ये बाबरी मस्जिद कितनी लंबी लड़ी, क्यों नहीं रखा आपने? आप जो है सामाजिक न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें? जिन्होंने पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद, आप बाबरी मस्जिद पे लड़ाई करना चाहते, बाबरी मस्जिद इसी को जिंदा रख के मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इकबाल अंसारी साहब को क्यों नहीं जगह दिया आपने इंडो इस्लामिक? ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं आप, दानिश कुरैशी जी, ये है आप लोगों पर आरोप कि आप जानबूझकर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ बाबरी मस्जिद। एक मिनट दानिश कुरैशी जी, क्या मिलेगा आपको भड़का के, क्या मिलेगा आपको नैरेटिव सेट करके? इन बच्चों को भी सांप्रदायिक आग में डुबा के जाएंगे ये लोग, ये सांप्रदायिक आग में अपने बच्चों को भी झोंक के जाएंगे। तो दीजिए, क्या कह रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। इंसाफ की है, इंसाफ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाएंगे क्या आप? आपके सेंटीमेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे? आपके सेंटीमेंट देश के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी हो जाएगी? आपके सेंटीमेंट उन लोगों से बड़े हो जाएंगे जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी? आपने कितना पैरोकार किया बताइए, कितना संघर्ष किया आपने? कितना संघर्ष किया बताइए तो प्राची, संघर्ष किया आप लोगों? इनके पार्टी प्रमुख तो बैरिस्टर हैं, ये तो बैरिस्टर है, इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट गए थे? वो बाबरी के लिए लड़े थे, बाबरी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो या तो उसको मानिए, नहीं तो रिव्यू पिटीशन फाइल करिए। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट रहे तो अल्लाह मियां के कोर्ट में जाके वो अपना फरियाद डालिए। अच्छा ठीक है, ये देखिए, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए दानिश कुरैशी जी, जो बात आम मुसलमान को समझ में आ रही है, न जाने आपको क्यों नहीं समझ में आ रही, और आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। खैर अजय आलोक जी, अभी भी टीस है दानिश कुरैशी जी के मन में, उनकी पार्टी के मन में अभी भी बहुत सारी टीस है, न्याय नहीं हुआ मान रहे हैं वो अभी भी। अपने मन से सुप्रीम कोर्ट को अपनाया नहीं जाता है, अपने मन से सुप्रीम कोर्ट को अपनाया नहीं जाता है। अभी चर्चा में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि जो हुआ बाबरी मस्जिद में वो गलत हुआ, गैर संवैधानिक था, उसमें इनको सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला दिया तो यही दानिश कुरैशी 2 मिनट के बाद कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अपने बच्चों को हम बता के जाएंगे कि हमारी मस्जिद जबरदस्ती छीन ली गई। इनके नेता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अनफॉलिएबल। तो इनका दिक्कत यह है कि ये देश और राष्ट्र को अपनी जागीर मानते हैं, जिसकी किस्मत में लिखा हो, जिसके बोली में खो कि इस देश पे हमने हुकूमत किया है 300 साल, तुम हमें क्या निकालोगे, इस देश पे हमने हुकूमत किया है। इनके दिमाग में, इनके रगों में बैठा हुआ कि ये हुकूमत करते थे इस देश पे, ये मुगल आक्रांताओं को अपना आका मान के, अपना बाप मान के इस देश पे हुकूमत करते थे, उस चीज का गर्व है इनको। ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोलूं मैं? और ये सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान इनके भड़काने पे भड़क जाएगा, तो इनकी अपनी हैसियत कहां पे जा रही है, ये इनको तो पता चल ही रहा है ना धीरे धीरे। यहां तेलंगाना में भी सिमट के आ गए। मैंने शुरू में ही बोला कि जो, और जो जिस बात पे मेरी आपत्ति आप लोग जता रहे हैं, मैंने शुरू से ही बोला कि जो राष्ट्रभक्त है वो राम भक्त है, और जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं में राम है, और ये 0.1% कन्वर्टेड, 0.1% बाबरी वाले बच गए, बाकी 99.9% मुसलमान तो कन्वर्टेड है। और इसीलिए विनोद बंसल जी ने कहा कि अपने पूर्वजों को तो याद करोगे, लेकिन नहीं, इनके इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, तो अब जहर की जरूरत नहीं है। अभी अब देखिए क्या क्या, थोड़ा एंजॉय कीजिए आराम से, भगवान राम को पूजिए, आपके थोड़े कर्म अच्छे हो जाएंगे। ये जहरीले सांप है, इन सांपों का फन कुचलना बहुत जरूरी है देश के अंदर। अब देश जो रामत्व की तरफ बढ़ रहा है, ये वापस बाबरी को लाना चाहते हैं, ये बाबरी के अपने सपने मजबूत नहीं होंगे इनके,
बाबर चला गया दानिश जी, अभी मानसिकता को त्यागना पड़ेगा दानिश जी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है, एक मिनट, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है, आपको देश में हर एक कुछ चीज से आपत्ति है जो आपके खिलाफ फैसला दे दे, आप ही बता दीजिए फिर देश कैसे चलेगा, आप ही बता दीजिए फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कैसे देना है। अब आपके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा नहीं, तथ्यों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, आपके मुताबिक तो ये देश चलेगा नहीं, या आपके मुताबिक तो संविधान लिखा नहीं जाएगा, ये तो आपको समझना होगा ना।